दोस्तों, अगर आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख के अकाउंट्स जॉब करने की इच्छा रखते हो, या अभी आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है टेली सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए और मात्र आपको 10 से 15 दिन ही हुए हैं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से और स्टेप टू स्टेप आपको किस तरीके से यूज करना होता है, ताकि आप जब भी किसी कंपनी में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करने जाओ तो वहां पर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, ये स्टेप टू स्टेप हम आपको आज की इस वीडियो में 10 पॉइंट ऐसे बताएंगे जो आपको सबसे पहले सीखना जरूरी होता है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर दिया टेली सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, मात्र उनको 10 से 15 दिन ही हुए हैं अभी को इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए, और वो जाते ही 10 15 दिनों में उन्होंने जीएसटी रिटर्न भी सीख लेते हैं, बैलेंस शीट बनाना भी सीख लेते हैं। तो उससे पहले आपको बहुत कुछ सीखने वाला होता है, बैलेंस शीट से पहले, जीएसटी की रिटर्नों से पहले। तो वो आज आपकी इस वीडियो में हम बताएंगे भी आपको शुरुआत कैसे करनी है टेली सॉफ्टवेयर सीखने की, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या अभी आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो हो सकता है काफ़ी सारी परेशानियां जो आपके माइंड में है, जो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, वो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, साथ पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर एक से। तो आज का जो पॉइंट नंबर एक है, कंपनी क्रिएट प्रॉपरली, यानी कि जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर की शुरुआत आप करोगे तो आपको कंपनी को प्रॉपर सही तरीके से क्रिएट करना आना चाहिए। तो यानी कि हम आपको चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, और आप जब हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये जो कंपनी का जो डाटा पाथ का जो लोकेशन है उसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी आप जिस कंपनी में ये जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो उस कंपनी का डाटा प्रॉपरली कहाँ पे जाके सेव होएगा, यानी कि कौन से लोकेशन पर जाके सेव हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको सी ड्राइव के अलावा आपको दूसरी लोकेशन पर सेव करना होगा। डी ड्राइव में रख सकते हो, ई ड्राइव में रख सकते हो, यानी कि सी में आपको ये मेंटेन नहीं करना है। उसके बाद में कंपनी का नाम आपको प्रॉपर सही तरीके से लिखना होगा, जो कंपनी है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस प्रॉपर कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, फुल नेम आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। और उसके बाद में उसका जो प्रॉपर एड्रेस है उस कंपनी का, जिस एड्रेस पे उस कंपनी की मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है उस कंपनी का प्रॉपर एड्रेस आपको देखना पड़ेगा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में से देख के। उसके बाद में उस कंपनी का जो स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पे डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। कंट्री तो आपकी इंडिया रहेगी रहेगी। उसके बाद में वहाँ पर उसका पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट अगर आपकी उस कंपनी की है तो, यानी कि प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो जब सीखने के लिए जाते हैं तो इन सबको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में इनको इग्नोर नहीं करना है, सारा का सारा डाटा आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद बारी आएगी फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको फाइनेंशियल ईयर भी प्रॉपर सही तरीके से चेक करना पड़ेगा भी आपकी जो कंपनी है कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप अकाउंटिंग मेंटेन अभी कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, तो उसकी डिटेल आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी से संबंधित यहाँ पर आ जाएगा ये डाटा सारा भी, आप अपनी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, करोगे तो आपको किस तरीके से करना है, और आपको कंट्रोल यूजर एक्सेस कंपनी डाटा, अगर आप कंपनी को कंट्रोल एक्सेस रखना चाहते हो तो आपको यस रखना है या नो रखना है, तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी को प्रॉपर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है टेली के अंदर, इनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भी आपका इन ऑप्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर टू पे हम चलते हैं, तो उसके बाद में जो कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद उसकी कंपनी की जो जीएसटी की डिटेल है, टीडीएस की डिटेल है, टीसीएस की जो टैक्सेशन की डिटेल है वो प्रॉपरली आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं है भी आपने कंपनी क्रिएट कर ली और जाती आपने वाउचर एंट्री करने स्टार्ट कर दी, तो ये आपको मैं सारी डिटेल स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ
आपको कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद क्या करना होगा, दो नंबर पॉइंट के बाद आपको क्या करना होगा, तीन नंबर पॉइंट के बाद जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये नहीं अभी एक पॉइंट नंबर कर दिया और उसके बाद में हम पांच नंबर पॉइंट पर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसके बाद में जीएसटी डिटेल, यानी कि जब हमने कंपनी क्रिएट कर ली तो कंपनी क्रिएट करने के बाद में ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी और उसके बाद में ये जो डिटेल आती है आपके पास टैक्सेशन से रिलेटेड में, जीएसटी से रिलेटेड है, टीडीएस है, टीसीएस है, यानी कि जीएसटी का मतलब अगर आप जीएसटी के ओपन करेंगे हम इसको, जैसे हम इस फीचर्स पर पहुंचेंगे तो ये विंडो प्रॉपर हमारे पास आएगी जीएसटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको जो पूरी डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप है कंपोजिशन डीलर है या फिर रेगुलर डीलर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भी आपकी कंपनी कौन सी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसकी डिटेल, उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल रह जाएगा, उसके बाद में जो आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर लिखना होता है, उसके बाद में आपकी जो मंथली की जो रिटर्न है वो आप क्वार्टरली फाइल करती है या फिर मंथली फाइल करती है, तो वो आपको टर्नओवर के बेस पे पता करना पड़ेगा। तो वो डिटेल अगर मंथली फाइल करती है तो आपको मंथली सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है तो आपको यहाँ पे इसमें से क्वार्टरली रिटर्न आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको पहले से पता होना जरूरी है। उसके बाद में ये सारे ऑप्शन, हर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, इन ऑप्शन का मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का पूरा एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। ई वे बिल के बारे में क्या डिटेल्स होती है, इसका मतलब क्या होता है, ई वे बिल क्या चीज़ है, ई इनवॉइस क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो टीडीएस की डिटेल है, तो टीडीएस की डिटेल के अंदर आपकी कंपनी का जो टेन नंबर है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो डिडक्टर टाइप यानी कि जो आपकी कंपनी है वो कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, यानी कि कोई एचयूएफ है, कुछ भी है, तो वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स है टीडीएस से संबंधित वो फिलअप करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको टीसीएस से रिलेटेड वो जो डिटेल आपके टीसीएस का जो टेन नंबर है आपके पास में टीडीएस वाला वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो कंपनी का जो टाइप है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर सारी बातें आपको करनी पड़ती है यानी कि कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद में। तो पॉइंट नंबर तीन की बात करें, वाउचर नंबर की सीरीज मेंटेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाउचर नंबर का मतलब, अब मान लीजिए आपकी कंपनी है जो मैनुअल इनवॉइस भी साथ बनाती है और कंप्यूटराइड भी मेंटेन करती है उसी इनवॉइस को, तो आपको जब हम एंट्री करते हैं सेल वाउचर पे हम जाते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो वाउचर नंबर आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आता है 1234, तो आपको इसको प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाउचर नंबर है जो आपकी मेन कंपनी की जो मैनुअल बिल बुक है उस बिल बुक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वाउचर नंबर आपको मेंटेन करना होता है। तो ये वाउचर सीरीज आपको प्रॉपरली मैनुअल रूप से मेंटेन करने आने चाहिए, या फिर अगर आपकी कंपनी कहती है भी हमें कंप्यूटराइड ही बिलिंग करनी है तो यहाँ पर आप एक सीरीज फिक्स कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, तो उसकी डिटेल भी अब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से करनी होगी। तो उसके बाद में डिटेल आती है आर लेजर क्रिएट विद प्रॉपरली ग्रुप विद ओपनिंग बैलेंस। अब मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो काफ़ी टाइम से चल रही है, तो जाहिर सी बात है अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनी होगी, तो जब भी आप कंपनी के लेजर आप क्रिएट करोगे, क्रिएट पे जाके लेजर पे हम क्रिएट करेंगे, तो उसका नाम आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो पूरा नाम है, चाहे वो कस्टमर का नाम है, चाहे वो आपके सप्लायर्स का नाम है, चाहे वो बैंक की डिटेल है, चाहे वो प्रोपराइटर का अकाउंट है, चाहे वो एक्सपेंसिस की डिटेल है, कुछ भी डिटेल है वो पूरा प्रॉपर नाम आपको यहाँ पर लिखना है, शॉर्ट नाम आपको यहाँ पर नहीं लेके चलना। और उसके बाद में इसकी ग्रुप की डिटेल, तो ग्रुप की सिलेक्शन आपको सही तरीके से करनी आनी चाहिए भी जो लेजर आपने क्रिएट किया है उसका ग्रुप क्या रहेगा। और उसके बाद में अगर आपकी कंपनी पुरानी चल रही है और वो कंपनी आपके जो लेजर आपने क्रिएट किया है, चाहे आपका कस्टमर है चाहे वो सप्लायर है, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है चाहे वो डेबिट है चाहे क्रेडिट है, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से पाँच नंबर डिटेल पॉइंट है जो इन्वेंट्री ऑप्शन इनेबल डिसेबल। अब मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो आपके जो कंपनी है वो प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करती है, तो आपको पता होना चाहिए भी जब आप कंपनी को आप प्रॉपरली मेंटेन करोगे, तो जैसा कि हम इन्वेंट्री पे जाते हैं क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम को, आप अगर क्रिएट करते हो तो स्टॉक आइटम के अंदर ऑप्शन जो आते हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के लिए, एक्सपायरी डेट के लिए या फिर अल्टरनेट यूनिट डिटेल के लिए, तो इन सब ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टॉक आइटम ग्रुप क्रिएट, तो यानी कि जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका ग्रुप आप पहले से यहाँ से क्रिएट करके रख सकते हो, ये जो ऑप्शन आता है हमारे पास में स्टॉक ग्रुप, तो ये स्टॉक ग्रुप भी आप
क्रिएट कर सकते हो पहले से, ये साथ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले इसको मेंटेन करके रखते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में पॉइंट नंबर आएगा 7, यूनिट क्रिएट। यूनिट का मतलब भी आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो किस यूनिट में आप सेल करते हो, क्विंटल में करते हो, पीसेस में करते हो, पैकेट के साथ करते हो, केजी के साथ करते हो, क्विंटल के साथ करते हो, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर इसका जो यूनिट है वो क्रिएट करके रखना होगा। ये साथ के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप पहले से क्रिएट करके रखते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके अलावा पॉइंट नंबर बात करें 8 की, तो उसके बाद में जो GST की डिटेल है स्टॉक आइटम में वो प्रॉपर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसा कि हम यहाँ पर एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं, जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया, यहाँ से जो ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको ग्रुप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में इसकी यूनिट हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप देख रहे हो अल्टरनेट, अगर आप यूनिट रखते हो तो आपको ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करके आना पड़ेगा। इसी तरीके से जो अभी तक हमने बात करी थी भी मैन्युफैक्चरिंग की डेट और एक्सपायरी की डेट भी अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट के साथ यूज करती है तो इन सब ऑप्शन को आपको इनेबल या डिसेबल करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो GST की डिटेल है, तो इस डिटेल के अंदर हमें जो स्टॉक आइटम है हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसके बाद में उसका HSN कोड क्या रहेगा, उसके बाद इसकी जो टैक्सेबिलिटी क्या चीज़ है, वो आइटम टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है तो उसका टैक्स का रेट क्या रहेगा, तो ये सारी बातें आपको प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से पॉइंट नंबर अगर हम बात की करें तो वाउचर एंट्री प्रॉपरली, तो उसके बाद में सब कुछ आपका डिटेल लेजर आपने तैयार कर ली, स्टॉक आइटम आपने तैयार कर ली, तो उसके बाद बारी आएगी आपकी वाउचर एंट्री करने की। तो वाउचर एंट्री करने के बाद आपको पता होना चाहिए भी जो वाउचर की एंट्री आपको करनी है वो कौन से वाउचर में करनी है। मान लीजिए आपके पास कोई सप्लायर्स का इनवॉइस आपके पास आया है तो आपको परचेज वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी, या फिर आपने कस्टमर को कोई गुड्स सेल किया है तो उसका सेल वाउचर में आपको इनवॉइस तैयार करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर आपको कोई पेमेंट दे के गया है तो उसका रिसिप्ट वाउचर आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने किसी सप्लायर्स को पेमेंट करी है तो पेमेंट वाउचर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए कौन से वाउचर का हम यूज करते हैं। और उसके बाद में जो 10 नंबर पॉइंट है, मेंटेन केस बैंक और स्टॉक को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी ट्रांजेक्शन आपने कर ली है डे टू डे, तो उसके बाद में आपका डे टू डे कैश भी आपको चेक करना पड़ेगा, कैश बैलेंस। यहाँ पे जैसा कि हम डिस्प्ले पर जाएंगे और उसके बाद में ऑप्शन हमारे पास आता है कि इसका अकाउंट बुक में जाएंगे, और अकाउंट बुक में जाने के बाद में ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा कैश एंड बैंक बुक का। तो आपके पास कितना कैश इन एंड आज के टाइम में बचा हुआ है, कितना आपका बैंक बैलेंस है, जो बैंक बैलेंस आपका बैंक के साथ बिल्कुल टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसका आपको रिपोर्ट है जो प्रॉपरली डे टू डे मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ वाउचर एंट्री करने के बाद की बातें हैं। तो इससे पहले आपको सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भी आपको कंपनी किस तरीके से क्रिएट करनी है, कंपनी के अंदर आपको स्टॉक आइटम किस तरीके से करना है, लेजर किस तरीके से क्रिएट करना है। तो ये इसके लिए आपको इन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। आप इन सभी वीडियो को अगर एक बार आप देख लोगे तो सारी परेशानी आपको इसी मतलब लिंक से दूर हो जाएगी। तो इस जो हमारा फर्स्ट वीडियो है ये 30 मिनट का वीडियो है, इसमें हमने प्रॉपर सही तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से बताया हुआ है भी टैली सॉफ्टवेयर में आप कंपनी किस तरीके से क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट को लेके, उसके बाद में लेजर किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन से लेजर का क्या ग्रुप सिलेक्शन रहेगा, वो सारी बातें इसमें बताई हुई है। और उसके बाद में जो सेल वाउचर नंबर की जो कॉन्फिगरेशन सेटिंग है यूनिक नेम के साथ में, तो वो भी आपको सीखनी पड़ेगी भी सेल वाउचर की जो नंबरिंग है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी कंपनी कंप्यूटराइड बिलिंग करती है तो आपको वाउचर की जो नंबरिंग है कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग किस तरीके से करनी है। और उसके बाद में आपको परचेज एंड सेल वाउचर की एंट्री किस तरीके से करनी है, परचेज रिटर्न या फिर सेल रिटर्न अगर आपकी करने की ज़रूरत हो तो वो आपको किस तरीके से करोगे। तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताई हुई है, तो आप सभी को जरूर देखिएगा। और इन सभी चारों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहां पर इसको जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे भी 11 नंबर पॉइंट से लेके और 20 नंबर पॉइंट तक आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये केवल मैंने फ्रेशर जो स्टूडेंट्स होते हैं टैली सीखने के लिए उनके लिए बनाई है। ये कोई जो जिन्होंने कोई अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स कर लिया है, यानी कि जिन्होंने टैली का कंप्लीट कोर्स कर लिया है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा ये वैल्यू नहीं रखेगा ये वीडियो, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें सीखनी थी वो सीख चुके हैं। तो ये है
शुरुआत किस तरीके से करनी है और शुरुआत करने के बाद में कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए ये वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से बनाई है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।